हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई में सेफ्टी मैनेजर को कितनी सैलरी मिल सकती है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ यहां पर फिक्स नहीं है कि दुबई में जो है अगर आप सेफ्टी मैनेजर हो उसके तौर पर अगर काम करना चाहते हो तो इतनी जो है आपको सैलरी मिल सकती है, बल्कि सेफ्टी मैनेजर की जो सैलरी है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है। जैसे कि इसमें सबसे पहला फैक्टर है वो है कि लोकेशंस क्या है, कंपनी का साइज क्या है। मतलब लोकेशंस तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जैसे कि आप दुबई में यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। दूसरी बात है यहाँ पर कि कंपनी का साइज क्या है। कोई जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, फिर काफी अच्छी कंपनी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वहां पर अच्छी सैलरी जो है देखने को मिल सकती है। यानी कि कंपनी का जो है साइज कैसा है, छोटी है या फिर बड़ी है, इसके ऊपर जो है आपकी यहाँ पर सैलरी जो है वो तय होती है। सेकेंड फैक्टर है वो है इंडस्ट्री का। अब जो है दुबई में कई सारी जो है इंडस्ट्री आती है, तो इसमें जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पर जो है हाई रिस्क का जो है यहाँ पर काम होता है। तो ऐसी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो एज अ सेफ्टी मैनेजर के तौर पर, तो यहाँ पर जो है आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। यानी कि इंडस्ट्री भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। थर्ड फैक्टर है यहाँ पर एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस का, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशंस में अगर आपका जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री है, तो वो और भी जो है यहाँ पर एडवांटेज आपको दे सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने CSP का अगर कोर्स कर लिया हो, निबोश IDP अगर कर लिया हो, तो ये जो है आपको यहाँ पर एडवांटेज दे सकता है। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पर कि आपको जो है कितने साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है और आप किस चीज़ में जो है यहाँ पर एक्सपर्ट हो। यानी कि एक्सपीरियंस भी जो है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको जो है अच्छी कंपनी में अच्छा खासा अगर एक्सपीरियंस है तो ये आपको यहाँ पर एडवांटेज दे सकता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि दुबई में जो है सेफ्टी मैनेजर के रोल के ऊपर जो है आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर जो ट्रेंड चल रहा है सैलरी का, वो ये हमें ये बताता है कि 25,000 AD से लेकर 30,000 AD तक जो है आपको यहाँ पर मंथ जो है सेफ्टी मैनेजर के तौर पर जो है सैलरी मिल सकती है। अब ये जो सैलरी है ये कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सैलरी है जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया है, ये चार फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड होती है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए कि दुबई में जो है सेफ्टी मैनेजर को कितनी सैलरी मिल सकती है, तो इसके ऊपर जो है डिटेल में मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।